इंदौर जिले की महू तहसील के ग्राम बजरंगपुरा में एक गद्यवस दलित व्यक्ति 95 वर्षीय नानूराम चौहान का आकस्मिक निधन हो गया था, जिनका शव 2 दिन तक घर में पड़ा रहा, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता था। वजह यह है कि आज़ादी के 74 साल बाद भी गांव बजरंगपुरा में शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। शमशान नहीं होने से गांव में जिस किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे खुले में जलाना पड़ता है और बारिश में तो शव की हाल बेहाल हो जाते हैं। 2-2, 3-3 दिन तक शव को घर में रखना पड़ता है। जब बारिश बंद होती है तो शव को जलाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब बारिश बंद नहीं हो रही थी, गत दिवस नानूराम जी का शव समाजजनों ने बरसाती को हाथों में पकड़कर तथा टायर ट्यूब शक्कर घासलेट केरोसिन से शव का दाह संस्कार किया गया। बता दें, जो शव सामान्यतः मात्र 1 घंटे में जल जाता है, शव का अंतिम संस्कार हो जाता है, उसी को यहाँ जलने में लगभग 7 घंटे से अधिक समय लग गया। इस समस्या के चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस घटना को लेकर आज पुनः अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में तहसील कार्यालय महू पर SDM का घेराव किया गया तथा धरना प्रदर्शन भी किया गया। आप सभी के सामने आया और हमारे सामने भी आया कि गत दिवस 95 वर्षीय दलित व्यक्ति हमारे नानूराम जी चौहान साहब का निधन हुआ था, जो कि बजरंगपुरा में रहने वाले थे। बजरंगपुरा एक ऐसा गांव है जो महू तहसील में आता है, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ, जिन्होंने समरसता का पाठ इस पूरी दुनिया को पढ़ाया, समानता की बात कही और समतामूलक समाज की स्थापना करी। ऐसी स्थिति को बरसाती लेकर उनको जलाना पड़ा, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में हमारे सनातन पद्धति में कपूर, कंडे और घी का महत्व, ये सब व्यर्थता प्रतीत हुआ। हमने शव का संस्कार जो है अंतिम संस्कार टायर ट्यूब केरोसिन घासलेट इससे किया। हमें बहुत दुख हुआ और पूरे दलित समाज में इस बात को लेकर रोष है। आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी दलित समाज खुले में जल रहा है, उनके लिए अंतिम संस्कार के लिए कोई शमशान घाट नहीं है। हमारे लोगों को अन्यत्र गांवों में भी ऐसे अधिकांश करीबन 75% ऐसे गांव है जहां पर हमारे दलित लोगों को शमशानों में जलने नहीं दिया जाता, ऐसे अंचलों में स्थिति होती है। SDM साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है कि जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पिपलिया लोहार करके एक ग्राम है, वहाँ का पिपलिया मल्हार करके एक गाँव है, वहाँ पर जो शमशान है उसको रिपेयर करके 2 दिन में वो दे देंगे। और इस मामले को जो है थोड़ा सा समय उन्होंने मांगा है, क्योंकि इस जमीन पर वहाँ पर जो शासकीय भूमि है उस पर स्टे चल रहा है, कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, उसके लिए उन्होंने हमसे समय मांगा है। किंतु वर्तमान में 2 दिन के भीतर पुराने एक शमशान को वहाँ से बजरंगपुरा से जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है उसको रिपेयर करके देंगे। साथ ही हमने कौटी, चैनपुरा और अम्बाड़ा करके जो गांव है यहाँ पर भी जो हमारे दलितों को लोगों के लिए जलने की कोई व्यवस्था नहीं है। पुराना विज्ञापन 3 मार्च 2019 को यहीं पर हमने पूर्व SDM साहब को भी दिया था, लोकेश कुमार जाटव जी को भी दिया था, जो पूर्व कलेक्टर उस समय तत्कालीन विधायक हमारी उषा दीदी थी, हमने उनको भी ज्ञापन दिया था। इन सब ने हमें 8 दिन का आश्वासन दिया था। इंदौर से जीतू माथुर की रिपोर्ट।